शुरुआत मुंबई से कर रहे हैं, जहां पर कोविड अस्पताल के अग्निकांड में जो मृतकों का आंकड़ा है वो बढ़ गया है। पहले दो की मौत की खबर थी, अब भांडुप के अस्पताल में जो आग लगी थी उसमें 9 लोगों की जान चली गई है। 9 लोगों की मौत की खबर आ रही है। 76 कोरोना संक्रमित मरीज थे भर्ती इस पूरे अस्पताल में। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चला है। राहत और बचाव कार्य जारी है। जी हां, कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल था ये। 9 लोगों की मौत हो गई है। मुंबई के भांडुप अस्पताल की ये घटना है। दो तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं हम, कैसे दमकल कर्मी वहां पहुंचे हैं, आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। 9 लोगों की मौत हो गई है। पूरा जो आप कह सकते हैं सेफ्टी सिस्टम था वो कोलैप्स हो गया। 9 लोगों की मौत हुई है। कोविड का अस्पताल था। लगभग 150 संक्रमित मरीज जो थे इस अस्पताल में भर्ती थे। मेयर किशोरी पेडणेकर जब पहुंची तो कहती हैं कि इस मामले पर जांच होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा पहली बार देखा गया जब किसी मॉल में अस्पताल बनाया गया हो या कोविड पेशेंट को खासतौर पर रखा गया था। उर्वशी खूना का कहना यह है कि जो शुरुआती दो मौत हुई थी, कहा गया था आग की वजह से नहीं, वो कोविड की वजह से हुई थी। अब आगे बढ़ते हुए जो बड़ी खबर है एंटीलिया केस से जुड़ी हुई है, जिसमें नया सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। स्कॉर्पियो में कुछ रखा हुआ इसमें दिखाई दिया है। वाजे नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। फिलहाल हम वो सीसीटीवी फुटेज आपको दिखाएंगे। स्कॉर्पियो में वाजे ने धमकी भरी चिट्ठी कैसे रखी थी वो सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये जो रेड स्क्वायर यानी हम फोकस करके आपको दिखा रहे हैं, माना ही जा रहा है ये सचिन वाजे है। कुर्ता पजामा पहने हुए हैं, जो कि दूर से देखने में पीपी किट लग रहा है। और ये वो चिट्ठी रखने जा रहे हैं स्कॉर्पियो के अंदर, जो चिट्ठी मुकेश अंबानी के घर से बाहर स्कॉर्पियो मिली थी, ये चिट्ठी वहीं से प्रिंट हुई थी, इसका पता चल गया है। और ये सीसीटीवी फुटेज एनआईए ने बरामद भी कर दिया है। फुटेज हम आपको बार बार दिखा रहे हैं। रेड स्क्वायर में जो शख्स है, माना ही जा रहा है कि वो सचिन वाजे है। और ये उस समय का फुटेज है जब वो धमकी भरी चिट्ठी, जो कि मुकेश अंबानी के घर के बाहर रखा गया था, उसको रखने जा रहे हैं। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ प्रीति सोमपुरा जुड़ गई है हमारे साथ। प्रीति, ये जो नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, क्या ये कंफर्म है कि सचिन वाजे ही है जो कि स्कॉर्पियो में धमकी भरा लेटर रख रहा है? जी, जो नया सीसीटीवी सामने आया है उसमें साफ तौर पे लग रहा है कि जो है व्यक्ति जो दिखते हुए दिख रहा है वो सचिन वाजे है। सचिन वाजे जो है दो बार जो है वहाँ दिखाई दिए थे, और ये सीसीटीवी का अब खुलासा हो गया है। करीब 4:30 बजे का ये सीसीटीवी है, जब सचिन वाजे जो है वहाँ स्कॉर्पियो गाड़ी रखी थी, उसमें जो है चिट्ठी रखने के लिए आए थे, और वही चिट्ठी थी जिसमें लिखा था कि नीता भाभी और मुकेश भैया, आपकी जान को खतरा है, आपके बेटे की जान को खतरा है। इस तरीके की चिट्ठी जो है उस गाड़ी में रखी गई थी, और ये वो सीसीटीवी है 4:30 बजे का, जब वो जो है वहां पर सचिन वाजे जो है चिट्ठी रखने के लिए आए थे उस वक्त का है। और इसी का जो है एनआईए ने रिक्रिएशन भी पिछले हफ्ते किया था, और ये माना जा रहा था कि ये जो शख्स है उसने पीपीई किट पहना है, लेकिन बाद में पता लगा था कि उन्होंने पीपीई किट नहीं पहना था, बल्कि जो है कुर्ता पायजामा पहना था। वो ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो कि उन्होंने पीपीई किट पहना हो। और अब सीसीटीवी फुटेज को और अच्छे से खंगालेगी एनआईए, और जो भी जानकारी मिलेगी प्रीति सोमपुरा के जरिए हम सबसे पहले दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल शुक्रिया प्रीति इस अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।